आज हम बात करेंगे पेट के हर्नियास के बारे में। जब हम हर्निया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब है कि कहीं पे भी एक कमजोरी है दीवाल में, जिसकी वजह से पीछे के स्ट्रक्चर्स आगे पाउच करने लगते हैं या बल्ज करने लगते हैं, उसे हम हर्निया कहते हैं। जनरल अगर हम बात करते हैं पेट से संबंधित हर्नियास की, तो सबसे ऊपर जो हर्नियाज होते हैं उनको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया, जो अम्बिलिकस के पास है, और उसके नीचे इंग्वाइनल और फीमोरल हर्निया, जो हमारी जांघ के पास होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन लोकेशंस हैं जहाँ पे हर्नियाज हमारे पेट में होते हैं। और कभी कभी ऑपरेशन जब होता है, जिसमें हम सर्जिकल कहते हैं, तो उसे हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं। यूजली अगर हम बड़े एरियाज में जब ऑपरेशन करते हैं, तो कुछ समय बाद दीवार कमजोर होने की वजह से वो इंसीजनल हर्निया है। तो ये कॉमन टाइप के हर्नियाज हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ऑब्जर्व करिए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हर्नियास के बारे में, कि कौन से हर्निया के लिए हमें सर्जरी की आवश्यकता है और कौन से हर्निया को हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं या नॉन सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। एक और हर्निया है जो खाने की नली और स्टमक के बीच होता है, जिसे हम हिएटस हर्निया कहते हैं। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं, तो उसमें हिएटस हर्निया होता है। तो सबसे पहले मरीजों को लगता है कि इस हर्निया की सर्जरी करानी है, बट ये बहुत कॉमन है। 10 से 15% लोगों में होता है हिएटस हर्निया। तो हिएटस हर्निया का मतलब है कि खाने की नली और स्टमक के बीच में जो जी जंक्शन है, वो उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा प्रॉक्सिमली डिस्प्लेस हो गया है। तो जब वो स्मॉल है, हिल्स में ग्रेडिंग करते हैं, हिल्स 1 या 2, तो स्मॉल हर्नियाज में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम नॉर्मल पीपीआई और एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, जो एंटी रिफ्लक्स एजेंट्स हैं, उनसे हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। तो हर हिएटल हर्निया जो हम एंडोस्कोपी में आता है, स्मॉल हिएटल हर्निया, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं। लाइफस्टाइल चेंजेस उसमें इम्पॉर्टेंट है, कि हम बहुत ज़्यादा वेट, जिनका ज़्यादा है वेट, मेंटेन रखें, रात का खाना कम लें और रेगुलर बीच में दवाइयाँ लें, ताकि एसिड ऊपर रिफ्लक्स ना हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करें। बट जब हम दूसरे हर्नियाज की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया था, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, फीमोरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया या इंसीजनल हर्निया, तो जितनी भी हर्नियाज हैं, इनके लिए बहुत सिंपल बेसिक रूल मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम ज़्यादातर सर्जन्स फॉलो करते हैं। अगर किसी हर्निया का साइज 2 सेंटीमीटर से कम है, 2 सेंटीमीटर से कम है हर्निया का साइज इन सारे टाइप्स का, तो यूजली हम सर्जरी को अवॉइड करके कुछ दिन वेट एंड वॉच कर सकते हैं। उसमें प्रिकॉशंस हमें लेना ज़रूरी होता है, कि हम ऐसे कोई भी मूवमेंट्स ना करें, वेट उठाना या प्रेशर लगाना है एब्डोमेन पे, जिस पे प्रेशर आए वॉल पे, उन्हें हम अवॉइड करते हैं। और कॉटन बॉल के संग हम उसको सपोर्टेड रखते हैं, एब्डोमेन सपोर्ट को, ताकि वो धीरे धीरे वॉल स्ट्रांग हो जाए। तो नॉन सर्जिकली हम मैनेज करते हैं less than 2 सेंटीमीटर। बट जब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज है हर्निया का, तब हमें सर्जिकल उसका रिविजन या सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। जो सर्जरी का टाइप होता है, उसमें आगे की वॉल जो वीक हो गई है, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं। तो उसको हम जाली या मैश लगाते हैं। पहले मेटालिक मैशेज होती थी, जो मेटल की जाली होती थी, वो हम उस एरिया में लगाते थे, और उस एरिया के अराउंड 5 सेंटीमीटर हम कवर करके उसको लगाते हैं, ताकि जब हम क्लोज करें तो वापस से हर्निया ना हो। बट अब बहुत नए डेवलपमेंट्स में कई तरह की पॉलीप्रोपिलीन एंड इस तरह की सिंथेटिक मैशेज हैं, जो नॉन मेटालिक हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो उसको हम यूज़ करते हैं जो जो एरियाज वीक हो गए वहाँ पे, और सर्जरी करके हम पूरी वॉल को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि हर हर्निया ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, बट जब उसका साइज ज़्यादा बड़ा है, या कोई ऑर्गन्स अंदर से प्रोलैप्स हो रहे हैं, लगातार पेन हो रहा है, या कोई और सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें प्रॉपर उसका इमेजिंग करके और सर्जिकल ओपिनियन के संग हम हर्निया का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर हर्निया ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर बड़ा हर्निया है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो ऑपरेशन कराना ही बेस्ट वे आउट होता है।